वही खबर आ रही है कि मुलायम खेमे ने 240 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार ही कर ली है। उम्मीदवारों की घोषणा 2-3 दिन में हो सकती है। इस योजना की बात करें तो सभी 403 सीटों पर उम्मीदवारों को आगे उतार दिया जाएगा। अभी सिर्फ 240 नाम तय हैं। अगर सिंबल मुलायम गुट को नहीं मिलता तो सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए जाएंगे। और इस सियासी घमासान के बीच अमर सिंह ने आज एक बार फिर सफाई दी है और कहा है कि वो अखिलेश के खिलाफ साजिश क्यों करेंगे, जबकि आजम खान ने दोनों खेमों को नसीहत देते हुए कहा है कि रिश्तों में और खटास पैदा होनी नहीं चाहिए। सच तो यह है कि जब मेरी डायलिसिस हो रही थी बत्रा अस्पताल में, तो शिवपाल को हटवा करके अखिलेश को अध्यक्ष मैंने बनवाया और यह अपने पिता से पूछे कि क्या मैंने उनको भड़काया है या क्या मैं उनके विरुद्ध कुछ बोलता हूं। तो अपने लगाए हुए पौधे को लोग खाद देते हैं, सींचते हैं, उसमें अगर फल लगता है तो अपेक्षा करते हैं कि फल जो उसमें लगा है वो झुके, जो फलदार वृक्ष होता है वो झुकता है। थोड़ा सा स्नेह, थोड़ा सा प्यार चाहिए हम लोगों को। हमारा कोई बेटा नहीं है, अखिलेश ही हमारे बेटे हैं। लेकिन अगर ये आरोप लगेगा नहीं हमें ईर्ष्या है, नहीं हमें हम षड्यंत्र कर रहे हैं, तो षड्यंत्र की रूपरेखा होनी चाहिए, हमारा कोई टारगेट होना चाहिए। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो क्या मैं बन जाऊंगा? मैं तो घोषित बाहरी हूं। ये भी बात सही है कि दोनों अपने अपनी हैसियत को बचाने के लिए, अखलाकी और गैर अखलाकी दोनों काम करना चाहेंगे, किसी तरफ कम किसी तरफ ज्यादा, किसी तरफ नहीं किसी तरफ। हाँ, अब जो इसमें अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे और मेरिट्स पर बात करेंगे, लोगों के बीच उनके नंबर बढ़ेंगे। सियासत में दिमाग कम सर ज्यादा गिने जाते हैं, तो बेहतर बात यही है कि हम सभी लोग इस बात की एहतियात बरतें कि रिश्तों में और खटास पैदा ना हो। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो।